वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। आपको मैंने अभी दिखाऊंगी कि बारिश हो रही है तो मैं क्या करूं। तो बारिश में अच्छे भी लगता है लेकिन ज़्यादा बारिश कुछ भी अच्छे नहीं लगते। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से लेके हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और क्या क्या करती हूँ मैं आप देखिए। तो देखिए पूरा बारिश हो रही है अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरा बारिश पूरा बारिश। मैं अभी घर से बाहर में मैं खड़ी हूँ, मेरा छत से पानी गिर रहा है। मैं अभी नहा ही नहीं हूँ, मैं जाऊँगी अभी जस्ट उठी हूँ तो बारिश है। मैं सोची आपको जल्दी शेयर कर लूँ। दाल तो बना दिया है, कुकर खोल दिया, कैसे खोलो। ओके, तो इसमें मैंने टमाटर साबुत डाला है ताकि मेरे हस्बैंड को खट्टा पसंद नहीं उतना, तो बाद में उनको कर दूँगी। और ये है आपका उड़द दाल बनाई हूँ, बाद में इसको मैं थोड़ा सा दाल का काटा दे दूँगी। आप हस्बैंड को ज़्यादा दाल गला हुआ पसंद नहीं है, तो ये मूँग दाल है और उड़द दाल है, आज निरामिष है मेरी वजह से। तो और एक सीटी बाद में दे दूंगी अगर चाहिए होगा तो। मैंने चावल भी बना लिए हैं, अभी धुआं निकल रहा देखिए पूरा, और सब्जी बाद में बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, सब्जियाँ, तो इसको बाद में बनाऊंगी 12 बजे। आज हस्बैंड अभी सिलेंडर लेने गए हैं तो अभी देर से बनाऊंगी। चावल दाल तो बनी चुके, आज भेजते हैं इसका वजह से। मैंने कद्दू, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, बंदा गोभी मैंने ली थी, ये सब बची हुई थी तो इसको बाद में काटूंगी। कल शाम को मतलब हमारे यहाँ पे अभी गुवाहाटी में लॉकडाउन दिया है 7 डेज, तो एकदम पूरा टोटली बंद है। और 14 डेज का फिर से लॉकडाउन पड़ा है, तो मुझे ग्रोसरी खरीदनी थी। ग्रोसरी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कैंटीन से बहुत कुछ लेके आई हूँ, तो फिर से मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ। चलिए मैं शेयर करती हूँ आप सबसे। बहुत सारी सामान है, मैं कैसे ठीक करूँगी मुझे मालूम नहीं अभी। बहुत सारी सामान, ये क्या बोलते हैं, ये बैग देख के समझ गए होंगे कितनी बड़ी बैग है। तो मैं क्या क्या आपसे शेयर करूँ देखिए। ये तो अदरक वगैरह हुआ, ये प्याज 5 किलो प्याज है, और ये अदरक 1/2 किलो है, और ये है, और चाय पत्ती वगैरह है। नीचे बहुत सामान है, आपको कैसे दिखाऊँ मैं। ये मूढ़ी है जो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पे मूढ़ी भी है, यहाँ पे सोयाबीन है, यहाँ पे 5-10 किलो आटा भी है, चीनी भी है, मैदा भी है, और ये चना वगैरह जो है ये भी लाए हैं, ज़्यादा ज़्यादा करके लेके आई हैं। मूँगफली, ये मूँगफली है, और यहाँ से यहाँ दाल पहले से लाई हुई थी, फिर भी और भी दाल लेके आए हैं। और यहाँ है बहुत सारी चीनी, देखिए 2-3 किलो चीनी है। यहाँ पे मुर्गी लोगों के लिए ये खुद ही है, ये खुद है,
और नमक आप देख रहे हैं, टाटा सॉल्ट वगैरह है यहाँ पे बहुत सारे, तो ये है। और फिश वगैरह जो है वो भी लेके रखी हूँ, तो मैं दिखाई देती हूँ, जब मैं दिखा रही हूँ तो यहाँ पे है ऑयल है जो रिफाइंड ऑयल है, महाकोश है, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी है। तो 3-4 किलो मैंने तेल लाई, ब्रेड और पापड़ भी है, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ है आपका, जैसे ब्रेड 2 लाई हूँ, एक फ्रिज में रखी हूँ अभी, ये भूल गई, और अभी रख दूँगी। पनीर लेके आई हूँ, और ये है आपका हल्दी, जीरा, मिर्ची, ये सब है। और ये दूध का पाउडर छोटी वाली इसलिए लाई हूँ कि हमारे जो बिल्ली मौसी है ना, उनको दूध का पाउडर से चावल मार के देना होता है तो वो खाते हैं, तो हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग तो दूध आते हैं गाय का दूध, तो ये बिल्ली मौसी लोगों के लिए मैं दूध, और दूध है पहले से, हो जाएगी उन लोग अभी 1 हफ्ता कम से कम, तो ये तो है ही। यहाँ पे आपका जैसे अभी लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया, आप सब न्यूज़ में देखे होंगे, क्योंकि गुवाहाटी में अभी मेन जो गुवाहाटी सिटी है, महानगरी, वहाँ पे दिया हुआ है और लॉकडाउन, तो इस वजह से थोड़ी बहुत उन्होंने सरकार से कहा है, गवर्नमेंट से कहा है कि आप सब ग्रोसरी का जितने आइटम है वो सब, और सब्जी वगैरह जो है, फिश मार्केट, चिकन वगैरह जो भी है, मटन, कुछ भी खुला नहीं होगा कम से कम 1 वीक, उसके बाद में आप बाद में सोचेंगे वो क्या करेंगे, लेकिन इतने केस बढ़ चुके हैं कोरोना वायरस के लिए। तो ग्रोसरी ऐसे ही मेरा फूल है, मैंने आपसे पहले भी ब्लॉग में शेयर किया था कि मैं कैंची से बहुत सारी सामान लेके आई हूँ एक शॉप जैसी, तो वो तो है ही, इसमें पूरा रखी हूँ मैं शोकेस में, और अभी आज कल शाम को बेटा पूरा लेके आए हैं, तो मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है। आलू कैसे लेके मैंने सब कुछ, मतलब अंडे मैंने 2 ट्रे लाई हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे। फिर तो ये देखिए, मैं बोली थी ना, और एक अंडा लेके आए, ब्रेड लेके आई थी, तो 2 ब्रेड यहाँ हो गया, और ये देखिए 2 ट्रे अंडा है, ये देखिए पूरा 2 ट्रे अंडा भर के मैं लाई हूँ ताकि आराम से खाती रहूँ। और यहाँ पे है मिल्क, आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मिल्क वगैरह है ही यहाँ पे, तो टेंशन नहीं है। और यहाँ पे भी दूध की पैकेट रखी हुई है, यहाँ पे जो देखिए फिश, तो फिश 3-4 किलो लाए थे, आज भी लाएंगे 2-4 किलो, तो फिश भी मैंने धो के रखी हुई है, तो अब टेंशन नहीं है, अब आराम से खाते पीते रहेंगे। बहुत सारी सब्जियाँ, ढेर सारी सब्जियाँ मैंने रखी हुई है, तो टेंशन नहीं होगा, अभी थोड़े बहुत चलेंगे। तो अभी चलिए मेरे साथ में नाश्ता कीजिएगा, तो मैं नाश्ता बनाया, नाश्ता भी खाऊंगी। तो आज का जो मेरा मॉर्निंग का जो है, अभी मुझे बहुत काम है, क्योंकि जितनी भी ग्रोसरी का जो आइटम है वो मुझे ठीक करना है, मुझे अभी शोकेस पर मुझे सजा के रखना है ताकि हर चीज़ आसानी से मिल जाए, तो अभी वो सब करना है, तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, तो मैं शॉर्ट बनाना चाहती हूँ। तो आप सबको अगर अच्छा लगे मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलरेडी जो मेरे व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है और व्यूवर्स है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे न्यू अब मेरे वीडियो को आप देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन पर ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए नाश्ता करती हूँ, तो यहाँ का तो मैंने आपसे शेयर कर ही लिया, तो मैं सोची थी आज जो ग्रोसरी आई है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, हर चीज़ आपसे मैं शेयर करती हूँ, तो कैसे ना करूँ। तो चलिए, आज की वीडियो थोड़ी बहुत लॉन्ग होगी फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है, चल चलो। तो यहाँ पे मेरी नाती है जो लेट लेट के पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन अभी नाश्ता किया है वो, तो अभी शुरू नहीं हुआ क्लास, तो बैठे हैं अभी, तो उसका क्लास अभी चलेगा। तो यहाँ पे जो मेरे हैं, यहाँ ये होना चाहिए, नहीं तो मैं कैसे वीडियो उठाऊंगी तो बस अभी बैठ के नाश्ता करूँगी आप सबके साथ, तो चलिए नाश्ता शुरू। सुबह से उठ के हस्बैंड को नाश्ता बना के दूँ, तो अभी उठा के वो सिलेंडर का आज डेट है, तो चले गए, फोन कर रहे थे वहाँ से, तो सिलेंडर भरना भी ज़रूरी है, तो चले गए हैं, तो नाश्ता करके गए हैं, तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, आप सबसे बातें करूँगी, और वीडियो को भी मैं डालूँगी। आई होप आप सबको आज की जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो पसंद आएगी। तो सुबह से उठ के मैंने क्या क्या किया, मैंने आप सबसे शेयर किया, रात को सर दर्द हो
थोड़ा सा तेल मैंने लगा दिया, मैं बोला चलो थोड़ा सा तेल लगा देता हूँ। ये है आज मेरी सिंपल सी ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज प्याज व्याज नहीं डालूंगी तो इस वजह से मैंने और कुछ बनाई नहीं। तो ये परोठा बनाया है और यहाँ पे चाय है और यहाँ पे आम का अचार है जो मेरी बनाई हुई खुद है, बहुत टेस्टी है और बहुत खट्टी है और नमक वाली है, इसलिए मैंने एक ही पीस लिया है। तो चलिए मेरे साथ में आप सबका भी नाश्ता खा लीजिए। करण जो सब में रजिस्ट्रेशन तो मामी वो तो बहुत सा बहुत सारा भी एक तीन ऐसे में बताना बहुत सा बोलते थे जो कल मेरे मॉम ने फोन किया था मुझे कि आज वो बिपत करनी पूजा, जो बंगाली लोग हैं ना वो जानते हैं कि शनिवार या तो मंगलवार को पूजा होते हैं, और बिपत करनी मतलब देवी माँ का पूजा की जाती है, जो बिपता होता है ना, जो जितने भी आपको परेशानी हो कुछ हो तो उससे हमें मुक्त कर दे देवी माँ। एक्चुअली वो माँ दुर्गा ही होती है, तो माँ लक्ष्मी कह लीजिए या तो जो भी हो, तो देवी है तो उनका पूजा होता है। ये हमारे बंगाली में कोलकाता में बहुत ज्यादा करते हैं सब लोग, तो इसको विपुल तारिणी माँ बोलते हैं, विपुल तारिणी पूजा, मतलब जितना विपता है उनको दूर करते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा नियम है, इसमें 13 फल 13 पूरी ये सब खाना होता है, क्योंकि आप ऐसे नहीं खा सकते, 13 फल से पूजा होगा, और अगर आप जब आदि में एक टाइम खाओगे तो 13 पूरी हलवा ये सब होना चाहिए, लेकिन 13 होना चाहिए, 13 तो 13 का फ्रूट्स भी होना चाहिए, 13 आप पूरी भी है तो आपको खाना ही होगा, चाहे आप इतना इतना बना लो या बड़े बड़े बना लो, आप जितने खा सकते हो तो वो खा सकते हैं, तो वो सब है। तो मॉम ने कल बोला था जो तेरे नाम पर और तेरे हस्बैंड के नाम पर भी हम पूजा दे रहे हैं तो तू निरामिष खाना, तो इसलिए आज मीट मछली अंडा कुछ भी नहीं होगा, आज वेज होगा। तो मैंने आपसे शेयर किया आज मैं उड़द की दाल और जो तुअर की दाल है मिला के मैं बनाई हूँ, और अभी मिक्स सब्जी एक बना दूंगी और पापड़ भून लूंगी, अचार तो है ही साथ में, तो अच्छे लगेगा, चल जाएंगे, एक दिन की बात है। तो अभी मैं परोठा इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि बच्चे लोग जैम से खा लिए और चाय से, और मैं अभी अचार से खा रही हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो मैं दोपहर का भी मैंने आपको शेयर कर दिया, सब्जी बनाने के लिए मुझे बहुत देर लग जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे आप सबकी कमेंट की इंतजार रहती है और मैं जवाब जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो सकती हूँ। तो आई होप आप सब बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे मुझे और मेरे साथ बने रहेंगे। तो मैं डेली ब्लॉग जो मेरा शुरू से ही जो ये ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग है, तो मैं बीच बीच में कभी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मैं रेसिपी आप सबसे शेयर कर देती हूँ, ताकि फिर भी मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँ। तो अगर आप सबको ये वीडियो मेरे पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे बारे में आपको कुछ जानना है और कुछ आप देखना चाहते हैं, कुछ पूछना है क्वेश्चन आंसर, तो आप पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ में बने रहिएगा हमेशा। तो आज का मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आज के लिए थैंक यू। उसने कमाई है अपने हाथों से, तो बोलती हूँ।
आज उसे करने दे, गलती तो तेरी है, क्या संभालने लायक हो? जी बेटा, शायद गलती से तुमने मेरे जूते पहन लिए।